के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन सभी को शपथ ग्रहण में न्योता दिया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री शामिल थे, जिसको लेकर ये बातें भी सामने आई कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा। लेकिन उसके बाद अमित शाह उनकी आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। कहा जा रहा था कि ये एक निजी मुलाकात है, ये कोई राजनीतिक या कुछ समझौते को लेकर कोई मुलाकात नहीं है। केजरीवाल से अमित शाह की मुलाकात बेहद ही दिलचस्प रही, जहां पर विकास के कार्य को लेकर और दिल्ली को नंबर वन सिटी बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल का साथ दे के अमित शाह यहाँ पर बयान दिए। लेकिन अब यहाँ पर ठीक इसके बाद अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे काम करने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा और खासकर अमित शाह ये मुलाकात बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद केजरीवाल सरकार जहाँ गारंटी कार्ड पूरी करने में जुटी है, तो वहीं प्रदूषण से निपटने की सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भी सरकार तैयार है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारियों और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की और 28 फरवरी को इसी कड़ी में एक टास्क फोर्स भी बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार तीन प्रमुख चीजों पर फोकस कर रही है, जिसमें पहला प्रदूषण का रियल टाइम डाटा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरा प्रदूषण के खिलाफ जन आंदोलन बनाने पर बल दिया जा रहा है और तीसरा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक कर इन समस्याओं का निवारण निकाला जाएगा। अब ऐसे में प्रदूषण को लेकर जो बार बार भारतीय जनता पार्टी उन पर कई आरोप लगाती रही है, ये आरोप और ये मुलाकात वो कभी नहीं भूलेंगे, जो केजरीवाल इसी को मुद्दा बनाते हुए सबके दिलों में जाकर बस गए थे। SPN 9 न्यूज रूम से नासमिन की रिपोर्ट।